कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी किसान भाई बहनों का गंदरू की ओर से बहुत बहुत जोहार। झुमकी बहन की ओर से भी बहुत बहुत जोहार। और दीदी क्या हाल समाचार है? बहुत बढ़िया है गंदरू भाई, आप अपना बताइए। एकदम मैं भी ठीक हूँ और हमारे किसान भाई भी भले चंगे हैं। और देखिए कार्यक्रम में सभी किसान भाई इंतजार कर रहे हैं कि उन लोगों के लिए खास क्या जानकारी है। जी खास जानकारियाँ हैं, बहुत सारी हैं, लेकिन हमेशा हम लोग समाचार से शुरुआत करते हैं, तो कृषि समाचार देखते हैं और वहाँ से हम लोग जानकारियाँ लेकर आते हैं। चलिए फिर नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है, मैं हूँ पूनम। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। इस वर्ष 1 अप्रैल से लागू होगी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। राज्य में अब तक 62,000 क्विंटल धान की हुई खरीदारी। करेला के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद पूसा 2 मौसमी। अब समाचार विस्तार से। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है, मैं हूँ पूनम। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। इस वर्ष 1 अप्रैल से लागू होगी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। राज्य में अब तक 62,000 क्विंटल धान की हुई खरीदारी। करेला के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद पूसा 2 मौसमी। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने प्राकृतिक आपदा से राहत देने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की घोषणा की है। इस पर सालाना 8,800 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस योजना के अनुसार किसानों को रबी फसलों के लिए 1.5% प्रीमियम, खरीफ में अनाज और तेलहनी फसलों के लिए 2% प्रीमियम तथा व्यावसायिक एवं बागवानी फसलों के लिए 5% की दर से प्रीमियम देना होगा। बाकी प्रीमियम केंद्र और राज्य सरकार वहन करेगी। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने फसल बीमा योजना को किसानों के लिए सुरक्षा कवच बताया। समाजवाद के स्वतंत्र भारत के इतिहास पे और खासकर फसल बीमा योजना के इतिहास एक क्रांतिकारी कदम। और इस कदम से पिछले दिनों राज्य के कृषि सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने सहकारिता विभाग की समीक्षा करते हुए बताया कि राज्य में 124 केंद्रों में धान की खरीदारी की जा रही है। अब तक कुल 62,000 क्विंटल धान की खरीदारी हुई है। सरकार लैंपस और पैक्स को 900 गोदाम सौंप चुकी है। जो किसान सब्जी फसलों की खेती में टपक सिंचाई का इस्तेमाल कर रहे हैं वो अपनी फसल की उपज बढ़ाने के लिए प्लास्टिक मल्चिंग तकनीक का इस्तेमाल करें। मल्चिंग में 25 माइक्रोन मोटाई वाले प्लास्टिक का उपयोग करें। प्लास्टिक मल्चिंग से फसल में कीट और रोग लगने का खतरा कम हो जाता है। इससे कीट और रोग नियंत्रण के लिए दवाइयों के खर्च में कमी आती है। मल्चिंग में इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक का उपयोग 3 फसलों तक किया जा सकता है। कृषि वैज्ञानिकों द्वारा किए गए शोध से यह बात सामने आई है कि सब्जी फसलों की खेती में ड्रिप इरिगेशन के साथ प्लास्टिक मल्चिंग किया जाए तो उपज में 30% की वृद्धि होती है। किसान भाइयों, खासकर जब आप मल्चिंग का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो जो प्लास्टिक का मल्च इस्तेमाल करते हैं उसमें आप जरूर से बाइकलर कर लें और 25 माइक्रोन के थिकनेस का ही लें, क्योंकि यह मल्च में उपयोग पाई गई है और इसमें पौधों की बढ़न भी अच्छी होती है और आपकी यह जो है 3 फसलों तक आपकी चलती है। इसका खास करके जब आप ड्रिप का इस्तेमाल किसान भाइयों कर रहे हैं तो उसमें आप मल्च का प्रयोग निश्चित तौर पे करें, क्योंकि इससे मल्च के प्रयोग करने से चाहे आप कोई भी विधि से आप पौधों को लगाते हैं, चाहे वो ब्रॉडबेड होता है, रिजबेड होता है, या आपका ब्रॉडबेड होता है या फ्लैट बेड, तो उसमें आपकी अगर सिर्फ आप मल्च का इस्तेमाल करते हैं टपक विधि सिंचाई में तो जो टपक विधि सिंचाई के फायदे तो हैं ही, उसके अलावा आपको 30% उपज अनुसंधान में पाया गया है कि आपको अधिक प्राप्त होती है। राज्य के जो किसान लत्तेदार सब्जी फसल करेला की गर्मा खेती करना चाहते हैं वो जनवरी से फरवरी तक फसल लगाने का काम पूरा कर ले। इस फसल के बेहतर उत्पादन के लिए पूसा 2 मौसमी, कोयम्बटूर लॉन्ग ग्रीन या अर्का हरित नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। किसान भाई, बलोई दोमट मिट्टी से लेकर मटियार दोमट मिट्टी तक वाले खेत में करेला की सफलतापूर्वक खेती की जा सकती है। करेला के बुआई में
4 से 6 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करें। खेत में प्रति थाला 3 से 5 पुष्ट बीज सीधे बोएं। इसमें पौधों के बीच 1.5 से 1.5 मीटर की दूरी रखें। अच्छी उपज के लिए करेला के उन्नत प्रभेदों में पूसा 2 मौसमी, कोयम्बटूर लॉन्ग ग्रीन या अर्का हरित लगाएं। इनकी उत्पादन क्षमता 80 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। बहुफसलीय थ्रेसर एक ऐसा कृषि उपकरण है जो कई फसलों की मड़ाई करने के काम में उपयोग किया जाता है। किसान भाई इस थ्रेसर के द्वारा गेहूं, धान, मक्का, चना, मटर, सरसों, सूर्यमुखी और सोयाबीन फसलों की मड़ाई कर सकते हैं। आज हम जानेंगे लतेदार सब्जी फसलों में रासायनिक दवाइयों के बिना कीट नियंत्रण के उपाय। किसान भाई, अगर आप लतेदार सब्जी फसलों की खेती करने जा रहे हैं तो फसल की बुआई या रोपाई से 7 दिन पहले खेत के चारों ओर मक्का लगा दें। इससे मुख्य फसल पर कीटों का आक्रमण नहीं होता है। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति दुमका में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1,875 रुपये से 1,950 रुपये। चावल मध्यम 2,250 रुपये से 2,300 रुपये। गेहूँ 1,750 रुपये से 1,875 रुपये। दाल अरहर 5,800 रुपये से 6,500 रुपये। दाल मसूर 6,600 रुपये से 7,000 रुपये। सरसों तेल 10,500 रुपये से 11,280 रुपये। चीनी 2,850 रुपये से 3,000 रुपये। आलू 800 रुपये से 900 रुपये और प्याज 2,300 रुपये से 2,500 रुपये प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहर। तो भाई, अभी हम लोग देख रहे थे कृषि समाचार, और कृषि समाचार के तहत हमने बहुत सारी खेती बाड़ी से जुड़ी हुई जानकारी ली। साथ में हमने देखा मौसम का मिजाज और बाजार का भाव भी। बिल्कुल। तो किसान भाई, हम लोग कार्यक्रम जारी रखेंगे, लेकिन हम लोग चाहते हैं एक छोटा सा इंतजार करें और एक छोटा सा महत्वपूर्ण सा संदेश देख लें। सब्जी में मसाला ज्यादा है, कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है, और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं, डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी, इसने पिला दिया ना तुझे पानी। चलिए, तो संदेश तो बहुत अच्छा था, जानकारियां भी इसमें बहुत अच्छी। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आगे चला जाए और कुछ जानकारियां, अच्छी जानकारियां किसान भाइयों को और दे दी जाए। बिल्कुल। तो ऐसी बात है कि मटर बहुत अच्छी लगती है खाने। हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल भाई। अगर मटर के दानों में कीड़े मिल जाएं तो कैसा लगे? अरे मत कहिए, तो जायका बिगाड़ देता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम आज के कार्यक्रम में किसान भाइयों को यही जानकारी देंगे कि मटर में जो कीटाणु लगते हैं, जो कीड़े लगते हैं, उनकी देखभाल कैसे की जाए, उनका प्रबंधन कैसे किया जाए। बिल्कुल। तो हमारे संग विशेषज्ञ जुड़े हैं, डॉक्टर सुदर्शन मौर्य, जो हमें जानकारी देंगे मटर में लगने वाले कीट और उनका प्रबंधन कैसे किया जाए।
आज हम जानेंगे कि मटर फसल में होने वाले रोग और उनके प्रबंधन और निदान कैसे करें। मौर्या साहब, अभी हमारे किसान भाई जो है मटर लगाए हुए हैं खेत में और उनकी फसल जो है तैयार हो चुकी है, अभी फूल आने की स्थिति में है हमारे फसल, तो उस स्थिति में हमारे किसान भाई के लिए क्या उचित सलाह होगा और कौन कौन से अभी रोग लगेंगे और उनका निदान हमारे किसान भाई कैसे? कि अभी जैसे हमारे किसान भाइयों के खेत में मटर की फसल जो है लगी हुई है, जिसमें कि फूल और फली जो है लगना स्टार्ट हो गया है। कुछ किसान हमारे जो है अगेती फसल लगाते हैं तो उनके खेत की ये स्थिति है। कुछ लोग जो है जो थोड़ा लेट मटर लगाते हैं तो उनकी फसल जो है अभी बढ़वार की ग्रोथ स्टेज में है, फ्लावर जस्ट निकलना स्टार्ट हो रहा होगा। तो इस दौरान जो है कुछ बीमारियां भी आपके फसलों में आती हैं। जैसे मटर में जैसे ही फल और फूल लगना स्टार्ट होता है उस समय एक बहुत ही कॉमन बीमारी आती है, उकठा बीमारी, जो कि मटर का उकठा बोला जाता है। यह एक फफूद होता है जो कि मृदा जनित होता है, मिट्टी से पैदा होता है फफूद, जिसका नाम है फ्यूजेरियम। यह बीमारी जो है रूट में करता क्या है कि रूट को सड़ा देता है, जिसके कारण से पौधा आपका मुरझाने लगता है और पौधा धीरे धीरे सूख जाता है। यह जो इस बीमारी के मुख्य लक्षण होते हैं और यह बीमारी मुख्य तौर पे फूल निकलने के बाद और फली लगने के समय से स्टार्ट होता है। और अब देखेंगे समय जैसे जैसे बढ़ता जाएगा पौधा में जो है फल फूल लगना बंद हो जाता है और धीरे धीरे पौधा आपका मुरझा जाता है। तो यह जो बीमारी होती है उकठा बीमारी होती है, इस बीमारी को नियंत्रित करने के लिए किसान भाइयों को बुआई के समय विशेष तौर पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है। खड़ी फसल में इसका निदान उतना इफेक्टिव प्रभावी नहीं होता है, लेकिन यदि आप बुआई के समय जब आप मटर लगाते हैं उस समय ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करें। ट्राइकोडर्मा जो कि बाजार में उपलब्ध है, 10 से 12 ग्राम प्रति केजी बीज के साथ इसको बीज को उपचारित किया जाता है, फिर उसको लगाया जाता है। यदि बीज उपचार नहीं कर पा रहे हैं तो यदि आप चाहें तो ट्राइकोडर्मा को सीधे खेत में भी डाल सकते हैं। जहाँ पर आप मटर लगाने जा रहे हैं वहाँ पर ट्राइकोडर्मा एक एक चुटकी डालते हुए मिट्टी में मिला के फिर उसको जो है मटर डालें तो ये बीमारी आने के आसार कम हो जाते हैं। साथ ही साथ जब ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करते हैं तो पौधे की वृद्धि और बढ़वार भी अच्छी होती है और फलद भी अच्छा आता है। इसके बाद जो मुख्य तौर पे जो दूसरी बीमारी होती है जो कि जनवरी के लास्ट और फरवरी के फर्स्ट वीक में दिखाई देता है, जिसको हम बोलते हैं पाउडरी मिल्डू। इस दौरान यह फफूद जो होता है, एक पाउडरी मिल्डू जो काज करने वाला फफूद है वह है इरिसिफी। यह जो फफूद जो है पत्तियों के ऊपर फलों के ऊपर पाउडर जैसा, जैसे आपको लगेगा दूर से ही कि आपके खेत में किसी ने पाउडर छिड़क दिया, एकदम सफ़ेद सफ़ेद पत्ती दिखती है, सफ़ेद सफ़ेद फल दिखते हैं, तो इससे जो आप जान जाएंगे कि आपके खेत में पाउडरी मिल्डू आ गया है। इस बीमारी को पहचान के लिए शुरू में आप देखेंगे कि शुरू में इक्का दुक्का पत्तियों के ऊपर छोटे छोटे पैचेज के रूप में सफ़ेद ग्रोथ होता है, जो कि बाद में धीरे धीरे पौधे की पत्तियों के चारों तरफ से कवर कर लेता है। और रोग की उग्र अवस्था में क्या होगा कि आपकी मटर की जो फली होती है उसका आकार छोटा हो जाएगा और उसका जो रंग होगा ना वो रंग भी जो है दब जाता है, जिसके कारण से आप देखेंगे कि जब उसको बाजार में आप ले जाते हो तो उचित दाम नहीं मिल पाता है। तो ये इस बीमारी के मुख्य लक्षण है। अब हम डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे कि जो किसान भाई लगा चुके हैं और अभी उनकी फसल में मतलब फली आने वाले हैं तो ऐसे में कौन से रोग लगेंगे और उनका निदान कैसे करें? जैसे फूल और फली निकलना स्टार्ट होता है तो एक हमने बताया उकठा बीमारी और दूसरा बीमारी पाउडरी मिल्डू, जिसके लक्षण के बारे में हमने आपको बता दिए। नियंत्रण के बारे में हम आपको बता देते हैं कि जैसे ही आपके पौधे में फूल निकलना बंद हो जाए, फल सेट हो जाए, उस समय जो है आप पौधे के ऊपर सल्फर फंजीसाइड 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में डाल के छिड़काव कर दीजिए। तो ये करता क्या है, सल्फर फंजीसाइड पत्तियों के ऊपर पाउडर का एक लेयर बना देता है, जिसके कारण से होगा क्या कि जो पाउडरी मिल्डू आती है वो पत्तियों के ऊपर ही पहले आता है, तो वहाँ पे दवा पहले से उपस्थित रहती है, तो रोग के कारक जैसे ही आएगा वहाँ पत्ती के ऊपर वो मर जाएगा, जिसके कारण से रोग का फैलाव आपका नहीं होगा। लेकिन यदि मान लीजिए आपके खेत में बीमारी आ चुकी है तब आप देखें तो उस समय जो है एक जो है बाजार में आसानी से उपलब्ध है साफ के नाम से दवा है, जो कि 2 दवाओं का मिक्सचर है, मैंकोजेब है और बाविस्टीन है, ये दोनों दवाओं का मिक्सचर है। इसको आप जो है 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में डाल के छिड़काव कर दें तो बीमारी नियंत्रित हो जाती है। यह दवा उपलब्ध न हो तो आप जो है कार्बेंडाजिम ले सकते हैं। कार्बेंडाजिम जो है 1 से 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में डाल के छिड़काव करें तो आपके खेत में जो प्रमुख रूप से जो बीमारियां आती हैं वो नियंत्रित हो जाती हैं। इसके बाद हम जानना चाहेंगे कि मटर जो फसल है हमारी वो डायरेक्ट खाने वाली फसल है और ऐसे में हमारे किसान भाई चाहेंगे कि जैविक जो रसायन है उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो अभी तक आपने जो भी बताया रासायनिक के बारे में बताया,
अब हम जानना चाहेंगे कि जैविक क्या क्या उपाय हैं और घरेलू नुस्खे क्या हैं जिसको हमारे किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। जैसे हमने जो बीमारियाँ बताई, जैसे हमने बताया पाउडरी मिल्डू के लिए हमने बताया सल्फर बताया, साफ बताया, वाविस्टीन बताया, कार्बेंडाजीन बताया, ये जो है रासायनिक तरीके हैं। लेकिन आपको जैविक तरीका से नियंत्रित करना है तो आपके घरों में जो है आसानी से उपलब्ध है करंज की खली। यदि आपके घर में नहीं है तो बाज़ार से आप ले सकते हैं, करंज की खली ले लीजिए या नीम की खली ले लीजिए। इसको जो है 1 kg खली को 5 लीटर पानी में भिगा दें, अगले दिन उस 5 लीटर पानी को छान लें, छान के जितना 5 लीटर पानी है तो 5 लीटर उसमें पानी और ऐड कर लीजिए और उसके बाद उसको जो है खेत के ऊपर छिड़काव कर दीजिए तो जो पाउडरी मिल्डू लगता है वो नियंत्रित हो जाएगा। तो ये जैविक तरीका बहुत ही इफ़ेक्टिव है और इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको जो है बाज़ार से कुछ भी नहीं खरीदना है, करंज की खली या नीम की खली आसानी से उपलब्ध रहती है घरों में। किसान भाई, मटर आप तो पहले भी लगाते थे लेकिन उम्मीद है कि हमारे जो विशेषज्ञ ने बातें बताई हैं उन बातों को अगर आप लगाते हैं, अपने फसलों में लगाने में विचार करते हैं और उसको उपयोग करते हैं तो आपका फसल में जो रोग होता है उसका निदान हो जाएगा और फसल की गुणवत्ता भी बरकरार रहेगी। हमारे इस कार्यक्रम में आप आए और इतनी अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद किसान भाई। तो किसान भाई, अभी हमने देखा कि मटर जो कि हमारे झारखंड प्रदेश में हम लोग खासकर छोटा नागपुर क्षेत्र में इसकी खेती बहुत बड़े पैमाने पर करते हैं जी। तो अगर इसकी खेती कर रहे हैं और इसमें अगर कीड़े मकोड़े लग जाते हैं तो भाई हमारे फसल भी का नुकसान होता है और साथ साथ हम लोग का जो आर्थिक उन्नति की स्थिति है वो भी डगमग हो सकती है। तो इसके बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हो गई। अब हम लोग दूसरी जानकारी की ओर बढ़ते हैं। हाँ, दूसरी जानकारी की ओर बढ़ेंगे लेकिन फिर से एक छोटा सा विराम है। अच्छा, और किसान भाई बहनों से कहना चाहूंगी कि आप ना जाएं, फिर से आएं और फिर से जानकारी लें। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10-15% नाइट्रोजन क्षमता। तो भाई हमने देखा बहुत छोटी सी जानकारी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब अगले कार्यक्रम में बढ़ा जाए। बढ़ना चाहिए और बहुत अच्छी जानकारी है जो आप अपनी तरफ से देंगे। बिल्कुल। तो किसान भाई देखिए, हम लोग मटर की खेती के बारे में जानकारी ली, अब हम लोग टमाटर की खेती के बारे में जानकारी लेते हैं कि टमाटर की अगर हम लोग खेती करते हैं तो उसका कैसे हम लोग तरीके से खेती करें, इसका उपयोग हम लोग कैसे करें और खेती में क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इसके बारे में जानकारी। तो भाई आइए हम लोग विशेषज्ञ से मिलते हैं और विशेषज्ञ से हम लोग जानकारी उठाते हैं। किसान भाइयों, आपके खेत में टमाटर की फसल लगी हुई है, उसमें कौन कौन से कीट आते हैं और उसका नियंत्रण कैसे करें, इस विषय पर चर्चा के लिए आज हमारे बीच भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अनुसंधान केंद्र पलांडू के वैज्ञानिक डॉक्टर जयपाल सिंह चौधरी हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले किसान भाइयों को बताएं कि टमाटर में कौन कौन सा कीट आता है और उसका कैसे नियंत्रण करें। देखिए, जैसे आप बात कर रहे हैं कि टमाटर में कौन कौन सा कीट आता है, मुख्य रूप से टमाटर में हम देखते हैं कि फल छेदक कीट जो मुख्य रूप से आता है हर सीजन में, झारखंड में सब बहुत बड़ी समस्या है फल छेदक कीट से। फल छेदक के साथ में एक कीट और आता है जो आपका डायरेक्ट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से नुकसान नहीं करता है लेकिन इनडायरेक्ट रूप से बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, वह है सफ़ेद मक्खी। इस सफ़ेद मक्खी से हम जैसे देखते हैं कि किसान काफ़ी देर बाद में इसमें सचेत हो पाते हैं कि हमारे खेत में बीमारी लग गई है और इसका आप क्या करें, लेकिन क्योंकि उसको अगर फैलने से रोकना है तो सफ़ेद मक्खी का नियंत्रण काफ़ी ज़रूरी है। इसको जैसे पत्ती का जो मुड़ना है और जो आपका टमाटर का पेड़ है जो काफ़ी रूप से ऐसे लगता है कि इसका छोटा रह गया है और पूरी पत्तियाँ मुड़ गई हैं, तो इसको पत्ती मुड़क जिससे जीवाणु जो विषाणु के द्वारा जो फैलता है रोग लगता है रोग, ये सफ़ेद मक्खी इसको फैलाती है। इसके साथ में जब हम देखते हैं इसके बाद में जैसे ही अगर गर्मी शुरू होती है तो हम देखते हैं पत्तियों पे काफ़ी रूप से सांप नुमा आकृति टमाटर में विशेष रूप से बनती है। ये सांप नुमा आकृति
किसान भाई काफ़ी भ्रामक बातें फैली हुई हैं कि ये किससे लगती है, लेकिन ये कुछ नहीं, इसमें कीड़ा होता है जिसकी वजह से आपकी पत्तियों में जो माइंस माइनर बना देता है, और इसको हम लीफ माइनर इस कीट को बोलते हैं। तो अगर झारखंड के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो किसान भाइयों को तीन कीट हैं जिनकी विशेष रूप से सावधानी रखने की ज़रूरत है। पहला फल छेदक, दूसरा आपका सफ़ेद मक्खी जो विषाणु जनित बीमारी को फैलाती है, और तीसरा आपका लीफ माइनर जो इसकी वजह से पत्तियां आपकी सर्पनुमा आकृति बनती है और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। अब हम पूछेंगे कि उसका नियंत्रण कैसे करें, उस पर कैसे क्या करें, जैविक करें, रासायनिक उपाय करें, ताकि जो है कीट से बचाव हो सके। इससे किसान भाइयों को मैं ये बताना चाहूँगा, अगर कोई भी फसल है उसमें इन सभी का समन्वयन जरूरी है। अगर हम जैविक रासायनिक कर्षणकारी क्रियाएं कर्षण क्रियाएं भी हैं जिनसे कीट की जो संख्या है उसको हम काफ़ी रूप से नियंत्रित कर लेते हैं। अगर हमें उसके जीवन चक्र के बारे में पता है, कीट के जीवन चक्र के बारे में पता है, तो उन सभी विधियों को हम यूज कर सकते हैं। टमाटर में जैसे बात करते हैं कि सफ़ेद मक्खी आपके शुरुआत से लगती है, जैसे ही पेड़ लगाते हैं रस चूसना शुरू कर देती है पत्तियों से, और कीट को जो बीमारी है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे एक कीट पौधे से दूसरे कीट में पौधे में फैलाती रहती है। तो इसके लिए जब भी आप टमाटर की गाछ तैयार करते हैं, बिचड़ा तैयार करते हैं, तो टमाटर के बीज को बीज उपचारित करके बुआई करें। जैसे हम कवकनाशियों से तो सब बीज उपचार करते हैं, लेकिन अगर कवकनाशकों के बाद में अगर कीटनाशकों से भी बीज उपचार करते हैं तो उससे काफ़ी फायदा मिलेगा। टमाटर के केस में स्पेशल रूप से आपको बीज उपचार करना चाहिए। इसके लिए अगर हम गोछू दवा अवेलेबल है, इमिडा क्लोप्रिड का गोछू 8 ग्राम 1 केजी सीड से, दूसरा जो एसिड थायोमेथाग्जाम है वो क्रूजर के नाम से अवेलेबल है, क्रूजर को भी आप 8 से 10 ग्राम 1 केजी बीज के बीज उपचारित करके अच्छे से धूप में छाया में सुखा करके इस बीजों की बुआई करेंगे तो आपको पहले जो अर्ली स्टेज है उस पे आपका फल मक्खी के आक्रमण से बचेगा और कि आपका पौधा भी स्वस्थ रूप से रहेगा। दूसरा समन्वित कीट के बारे में आगे बढ़ाते हुए, अगर हम खेत में जा रहे हैं, हम टमाटर का जो लाइन्स लगा रहे हैं, अगर 6 से 7 लाइन के बाद में एक लाइन पीले वाले गेंदा फूल के लगाते हैं तो उससे क्या होगा कि आपका जो फल छेदक जो कीट है और जो आपकी सफ़ेद मक्खी है वो आपकी उस पीले रंग की तरफ आकर्षित होगी और आपकी मुख्य फसल बच जाएगी। इसके साथ साथ में सूत्रकर्मी जो गांठ जड़ों में गांठें बनती हैं, एक सूत्रकर्मी जो जनित बीमारियां हैं उनसे भी आपको टमाटर में काफ़ी फ़ायदा मिलता है। इसके बाद में जैसे ही बताया कि आप गेंदा फूल लगाइए, येलो स्टिक ट्रैप्स इसमें लगाइए जिससे सफ़ेद मक्खी आपकी फंसेगी, और इस लाइट ट्रैप भी आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं जिससे आपका इसका फल छेदक का मोथ आकर के उसमें फंसेगा। इसके बाद में अगर हम बात कर रहे हैं कि टमाटर में अगर कहीं बार हम देखते हैं कि जहाँ पे सांप नुमा आकृति वाले जो कीट है अगर ज़्यादा लगता है पत्तियों पे, तो इसका सबसे सरल और सीधा उपाय है कि वहाँ पे चारों तरफ करेले की लत्तर लगाइए। आपके खेत के चारों तरफ में करेले के लत्तर अगर लगा रहे हैं तो आपका करेला भी होगा और उसके साथ में वो जो कीट है उस कीट का आपको एक तरह से ट्रैप क्रॉप का काम करेगा जिससे आपको काफ़ी सुविधा भी मिलेगी। ये सारी क्रियाएँ हैं जो आप समेकित रूप से इसमें प्रबंधन कर सकते हैं। अगर जैसे ये हो गई कृष्ण क्रियाएँ, इसके बाद में अगर जैविक क्रियाओं की बात करते हैं तो जैविक कीटनाशक जैसे NPV है, HNPV का अगर हम 5 से 10 दिन के अंतराल पे पहले से छिड़काव करते रहते हैं तो आपका फल छेदक कीट का जो पिल्लू है वो उससे रोग ग्रसित हो जाएगा वायरस से, और आपको कीट जो संख्या है उसकी उतनी नहीं बढ़ेगी और अच्छे से नियंत्रण होगा। NPV के साथ में अगर BT पाउडर का भी प्रयोग कर सकते हैं, हाल्ट के नाम से मिलता है मार्केट में, 1 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम छिड़काव कर सकते हैं। ये हो गई आपकी जैविक क्रियाएं। इसके साथ में अगर छिड़काव करना है, सफ़ेद मक्खी का प्रकोप होते ही आपको रोगर 2 ml प्रति लीटर हिसाब से या कॉन्फिडोर 1 ml को 3 लीटर पानी में मिला करके, इसके साथ में ओबेरोन बहुत ज़्यादा इसमें प्रभावशाली होगा टमाटर के केस में, 1 ml दवा को 2 लीटर पानी में मिला करके इनमें किसी एक दवा का छिड़काव सफ़ेद मक्खी से आक्रमण के बचाव के लिए करें। और दूसरा, अगर फल छेदक कीट बहुत ज़्यादा लग रहा है तो इंडोक्साकार्ब 1 ml दवा को 2 लीटर पानी में, इसके साथ इसके अल्टरनेट रूप में
थायोडाइकार्ब जो लार्विन के नाम से मिलता है, 1 ग्राम पाउडर को 2 लीटर पानी में मिला करके किसी एक का छिड़काव आप 10-10 दिन के अंतराल पे करेंगे तो उससे आपके टमाटर में कीट प्रबंधन आसानी से होगा। डॉक्टर साहब आपने बड़ी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए धन्यवाद। किसान भाइयों नमस्कार। चलिए किसान भाइयों, तो हमारे संग विशेषज्ञ जुड़े हुए थे डॉक्टर जयपाल सिंह चौधरी, जो हमें बता रहे थे कि टमाटर में भी अगर कीट लग जाए तो उनका प्रबंधन कैसे किया जाए। बिल्कुल, तो देखिए तमाम तरह की जानकारी हम लोग कार्यक्रम में ले चुके हैं, अब कहीं कुछ और बचा हुआ है? हाँ हाँ भाई, आप तो बहुत हड़बड़ी में रहते हैं, पूना चलना है, वहाँ से भी जानकारियाँ तो लेकर आएंगे। एकदम एकदम। भारतीय मौसम विभाग पुणे से प्राप्त आज का मौसम पूर्वानुमान कुछ इस प्रकार है। आकाश में बादल रहेंगे, साथ ही 30 मिलीमीटर बारिश भी हो सकती है। हवा उत्तर पूर्व की ओर से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। आज का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अब मौसम पूर्वानुमान पर आधारित कृषि सलाह। चना के फसल में बुआई के 30 से 40 दिनों बाद फूल आने से पहले खोटाई करें, इससे पौधों की बढ़वा रुक जाती है तथा अधिक से अधिक शाखाएं निकलती हैं, जो ज्यादा से ज्यादा फूल एवं फली धारण करती है। साथ ही खोटे गए पत्तियों को साग के रूप में बेचकर कमाई भी की जा सकती है। किसान भाई, यदि आलू फसल तैयार होने की अवस्था में है तो खुदाई से 7 से 10 दिन पहले ऊपर का पत्ता काटकर हटा दें, ताकि आलू सख्त और उसका छिलका अच्छी तरह से तैयार हो जाए। ऐसे आलू को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। तो किसान भाई, अभी हम लोग पुणे गए हुए थे और पुणे से हम लोग बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेके वापस आए। जानकारी इस तरह थी कि मौसम की जानकारी कैसा रहा और खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ और भी जानकारी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो दीदी ऐसा करते हैं, अब तो जाने का वक्त हो जा रहा है। हाँ, जाने का तो वक्त है, जाने की इच्छा नहीं होती लेकिन जाना है, समय की पाबंदी है। हाँ हाँ। तो चलना चाहिए, लेकिन चलने से पहले पता बताते चलें। एकदम एकदम। और किसान भाई, हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप कार्यक्रम का केवल पता भर मत नोट कीजिए, कार्यक्रम का पता के साथ साथ में आप लोग अपना सुझाव हमें जरूर से जरूर लिख भेजें, ताकि आपकी सुझाव को हम लोग अपने कार्यक्रम में शामिल कर पाएं और साथ में कार्यक्रम को और बेहतर बना पाएं। बिल्कुल। तो देर ना करके कार्यक्रम का पता बता दीजिए। बताते हैं, कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र रातुरू रांची, और पिन संख्या 834001। तो किसान भाई बहनों, आपने पता लिख लिया, अब जल्दी से आप अपनी सुझाव, अपनी समस्या और अपनी जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारियां लिख भेजिए, हम आप अगले कार्यक्रम में उसे शामिल करेंगे और आपको और से और बेहतर से बेहतर जानकारियां आपके लिए लेकर आएंगे। बिल्कुल। तो किसान भाई, जैसा कि दीदी बता रहे थे कि भाई आप लोग जरूर से जरूर अपना सुझाव हम लोग के कार्यक्रम में जरूर लिख भेजें, अब लेकिन आप लोग से विदा चाहेंगे, अपने गंदरू भाई और झुमकी बहन को विदा दीजिए। जोहार।